हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में मैंने नाश्ते की रेसिपी बनाई है और इस नाश्ते को गुथे हुए आटे के साथ मैंने बनाया है। गुथे हुए आटे का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता एक बार बनाकर खा लिया तो बार बार मन होगा बनाने का, क्योंकि इस नाश्ते को बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इसे होममेड पास्ता भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया कढ़ाई में, और आटा आप कोई भी ले सकते हैं। आटा जैसे रोटी बनाने के लिए नॉर्मल आटा हम गूंथते हैं, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया मैंने और ऐसे ही सिंपल गूंदा है। और इसको हम बड़ी सी लोई लेंगे और इसकी हम एक रोटी की तरह, और हर तरफ से एक ही तरह की होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम बेल के तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़ी रोटी मैंने बनाकर तैयार कर ली। और आपके पास अगर कोई कटर है तो उसके साथ भी आप कट कर सकते हैं। मेरे पास अभी कटर नहीं है तो मैं इसे एक छोटी सी कटोरी के साथ इसे कट करूंगी, निशान लगा लूंगी इस तरह से। और आप चाहें तो एक साइज़ की लोइयां बना के इसकी छोटी छोटी पूरियां बना लीजिए और उसके साथ भी बना सकते हैं इसे। बस साइज अगर इस तरह से बनाएंगे तो साइज बिल्कुल सेम होगी तो देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ आटा मैंने उठा लिया और पूरियां हमारी बच गई, तो इसे हम प्लेट में एक रख लेंगे उठा के। तो देखिए, पूरियां बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है ना ज़्यादा पतली हैं, तो इस तरह की पूरियां हमें चाहिए बनाने के लिए। तो अब हम इसका बनाएंगे, यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे हमने पास्ता बनाया था। तो यहाँ पे दोनों साइड से हम सेम ऐसे ही मोड़ लेंगे, और पहले मोड़ के फिर उसके बाद बीच में हाथ से प्रेस करते हुए दोनों साइड से इस तरह से बंद कर देंगे, और इसे हमें बंद करके चिपका देना। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा घूम गया था, मुझे पता नहीं चला, तो उसके लिए सॉरी। और इसी तरह से मैं सारे पास्ते को बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से बना हुआ पास्ता कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मैं मोड़ते हुए सारे पास्ते को जितना मुझे चाहिए था उतना मैं बना लूँगी। और सबसे ज़रूरी है कि गेहूं के आटे का नाश्ता है तो ये नुकसान भी नहीं करेगा और फटाफट से आपके घर में बन भी जाएगा। तो इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, सारे मैंने पास्ते को बना लिया और यहाँ पे पानी हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। इसमें हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिए और एक चम्मच जितना हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा कि पास्ते को हम जब इसमें बॉयल करेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं और हमारे पास्ते बहुत अच्छी बनेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके मैं डाल रही हूँ, साथ में नहीं डाल रही हूँ कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो फिर सेव इसका बिगड़ जाएगा। और इस तरह से सारे पास्ते को डाल के मैं ढक के और 2 मिनट के लिए इसे मैं हाई फ्लेम पे पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, 2 मिनट के बाद पास्ते हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, पूरे अलग अलग जैसे मार्केट का पास्ता होता है बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। और इसको मैं यहाँ से पानी निचोड़ के और निकाल लूँगी एक प्लेट में, और देखिए इसे ठंडा कर लूँगी। फिर उसके बाद अब हम उसी सेम कढ़ाई को साफ़ करके और उसमें हम 2 चम्मच जितना सरसों का तेल डाले हैं। सरसों का तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा, और फिर उसके बाद 2 कटी हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे और 2 कटा प्याज इसमें डाल देंगे, बारीक टुकड़े में कटा प्याज डालेंगे। और इसे हम भुनेंगे चलाते हुए, इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूलना है, बस लाइटली ब्राउन करना है हमें इसे। तो यहाँ पे देखिए, लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज हमारा। तो अब इसमें हम 2 बारीक कटा इसमें टमाटर डाल देंगे, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर दिया है, और आपके पास अगर चॉपर हो तो उसकी सहायता से भी आप कट करके इसमें डाल सकते हैं टमाटर और प्याज को। और इसे गलने के लिए अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और फिर उसके बाद इसी के साथ हम सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपनी टेस्ट के अनुसार, आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना डाल के बना सकते हैं। और इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली हुई थी 2, तो इसलिए हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च रखा है। और इन सारे मसालों को चला के हम भून लेंगे। और सबसे ज़रूरी इसमें जो है वो हम इसमें डालेंगे, इसे हम पास्ता बना रहे हैं तो पास्ता फ्लेवर के लिए इसमें हम पास्ता मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। पास्ता मसाला आसानी से आपको मिल जाएगा, किसी भी दुकान पे मिल सकता है। और उसे डालने के बाद इसे पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस मसालों को हमें पकाना है।
तो इसे हम चलाते हुए इस तरह से मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे, पानी सूखने तक पकाएंगे हम इसको। और यहाँ देखिए मसाले हमारे सारे पक चुके हैं, पानी भी सूख गया है, इस तरह से चलाते हुए हमने पकाया है। टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम पास्ता जो बनाया था हमने आटे का, उसे हम इसमें डालेंगे और डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो देखा ना फटाफट से नाश्ता हमारा कैसे बन गया। और इसे अच्छी तरह से मिला के फिर उसके बाद इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, हरी धनिया की पत्ती। और इसे गैस बंद करके ही मिलाना है, इसे अब हमें पकाना नहीं है। और तो दोस्तों हमारा नाश्ता पास्ता का बन के तैयार है। आप इसे गर्म या ठंडा खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये आटे का हेल्दी नाश्ता। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी भी प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।